हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एफएमसीजी शेयर और एफएमसीजी सेक्टर की बात जब भी आती है तो बड़े बड़े नाम यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी यही दिमाग में आते हैं और छोटी नामों की तरफ ध्यान कम जाता है, यानी कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर, डाबर इंडिया, इनकी तरफ ध्यान कम जाता है। तो देखिए ऐसा ही एक शेयर है, 4 बार बोनस शेयर इसने दिए हैं और डिविडेंड देता है टाइम टू टाइम। आज की डेट में इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, साथ के साथ जो है प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टर काफ़ी खुश भी नज़र आए हैं, क्योंकि इसका असर आज के शेयर के प्राइस में भी देखने को मिला है। चलिए एक नज़र देखते हैं इस स्टॉक के रिजल्ट को, टेक्निकल फंडामेंटल को इस छोटे से वीडियो में देखते हैं, समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए 4 बार बोनस दिया, ऑल्दो लास्ट बोनस 2010 में दिया था, 2005, 6, 10 में ये 3 बैक टू बैक बोनस इसने दिए थे। अब जो स्टॉक का नाम है वो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाबर इंडिया की। डाबर इंडिया बड़े नाम, जैसे कि मैं कह रहा था आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज फूड सेक्टर का स्टॉक है, उसी तरीके से डाबर भी फूड एंड हेल्थ, जो आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ केयर कंपनी मान के चलिए इसको आप। 85,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 480 का प्राइस है। डेट की बात करें तो 690 करोड़ के आसपास का डेट है और पी रेशियो 55 के आसपास है। अच्छा प्रॉफिट कमाता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 28% है, तो इक्विटी पर रिटर्न 26% का है, बहुत ही बढ़िया। अच्छे प्रॉफिट से मेरे मतलब है, देखिए बड़ा शेयर है, देखिए पिछले 10 साल का एवरेज देखोगे तो 15% के आसपास का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया इसने। और लेकिन आज की डेट में क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उसको देखें और समझें तब आप देख पाओगे। अगर इसके पुराने प्रॉफिट देखें तो 2008 में जो 2,000-2,500 करोड़ के आसपास की सेल्स के नंबर थे, आज की डेट में वो 9,000 करोड़ के पार जा चुके हैं। जो प्रॉफिट 300 करोड़ का हुआ करता था, आज की डेट में 1,500 करोड़ के पास जा चुका है। तो कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्केट इन्होंने अपनी ऑलरेडी बना रखी है, स्टेबल मार्केट बनी हुई है और उसी में ही ये प्रॉफिट की खूब कमाई करते रहते हैं। अब डाबर की जब बात आ रही है तो देखिए डाबर इंडिया का आज जो रिजल्ट आया है वो ऑलमोस्ट रिजल्ट 2:15 बजे के रिजल्ट आसपास आया था और साथ में इसने 1.40 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अगर आप इसके डिविडेंड को देखें तो साल में आप ये मान के चलिए कि सितंबर, मई इस तरीके से डिविडेंड दिया देता रहता है, तो इस बार इसने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया है और आज की डेट में ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। 1.40 रुपये का डिविडेंड था। इससे पहले भी अगर आप देखें, लास्ट ईयर भी इसने 2018 में भी मई में और फिर मतलब हाफ ईयरली काइंड ऑफ डिविडेंड ये देता है। और डिविडेंड एक इसका रिकॉर्ड डेट कब की है, डिविडेंड जरूर कम आपको देखने को मिल रहा होगा लेकिन रिकॉर्ड डेट कब की है इसकी, रिकॉर्ड डेट जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसकी, ये देखिए इसकी रिकॉर्ड डेट है 14th ऑफ डिविडेंड दिस 14th नवंबर 2019 की रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। और रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड कोई इशू अगर है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा आपको रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड, उसको देखिए वीडियो को, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि शेयर कब खरीदना होता है। ऑल दो डिविडेंड काफ़ी कम है, मामूली सा डिविडेंड है, 1.40 रुपये के आसपास का है, इतना तो शेयर वैसे ही अब डाउन हो जाता है। और रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट जो रिजल्ट ये आया है, रिजल्ट की टाइमिंग देखें तो ये है ऑलमोस्ट 1:45 बजे के आसपास का रिजल्ट का टाइमिंग है। टोटल इनकम से मैं स्टार्ट करता हूँ, सारे नंबर जो है करोड़ में है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डाबर इंडिया की, देखें समझे और इन्वेस्टर कैसे हैप्पी हुए वो भी पता लगेगा यहाँ से हमें। जो यहाँ पे हमको टोटल इनकम लास्ट ईयर सितंबर में 2206 करोड़ की थी, वो इस बार बढ़ के 2300 के आसपास जा चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि 87 या फिर 90 करोड़ के आसपास का जंप टोटल इनकम में देखने को मिला है। ये टोटल इनकम जून में थी 2,346 करोड़ की, एक्सपेंसेस भी हुए हैं डेफिनेटली और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकल के आया 462 करोड़ के आसपास का निकल के आया, जो कि लास्ट ईयर था 473 करोड़ का। अब देखिए समझें इसको, जैसा कि बहुत सारी कंपनी जो है वो प्रॉफिट इस बार टैक्सेशन का फ़ायदा ले रहे हैं, देखिए जो पिछले साल 473 करोड़ बिफोर टैक्स का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, इस बार 461 करोड़ है, मतलब ओवरऑल 12 करोड़ की आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर हैप्पी है भाई, क्यों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए कितना आया है वो समझने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टैक्सेस का तो 377 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 403 करोड़ हो गया, जो कि जून में कितना था 363 करोड़ का, बहुत ही बढ़िया बात भाई, ये तो सीधे सीधे बढ़ गया, बिफोर टैक्स कम होने के बावजूद भी 26 करोड़ का जंप देखने को मिला प्रॉफिट में, बहुत ही बढ़िया। और साथ के साथ अब अगर आप देखें तो
तो जो टैक्स टोटल टैक्स एक्सपेंस था वो कितना लगा देखिए। टोटल टैक्स एक्सपेंस जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिछले साल सितंबर के क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है, इसीलिए यहाँ पे फ़ायदा आपको देखने को मिल रहा है। अब यही फ़ायदा हम अर्निंग पर शेयर की तरफ जाएंगे, वो हमको और क्लियर पिक्चर देगा। 2 रुपये 13 पैसे का अर्निंग पर शेयर इस बार 2 रुपये 28 पैसे हो गया, जो कि काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव बात है। अब इन्वेस्टर हैप्पी हम कह रहे थे, तो इन्वेस्टर हैप्पी कितने लगे वो हमको आज एक दिन का डाटा बताएगा। एक दिन के डाटा की तरफ हम जब आते हैं तो देखिए भाई, ये एक दिन का डाटा जब रिजल्ट आया, जैसे मैंने कहा थी रिजल्ट आप यहाँ पे टाइमिंग देख लिया कीजिए, आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी। 1:49 में रिजल्ट अपलोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 1:49 के यहाँ पे आप चार्ट देख लीजिए कैसे बिल्कुल थोड़ा सा डाउन गया, उसके बाद जो अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला आपको काबिले तारीफ, 460 के लेवल से स्टॉक 482 के लेवल तक चला गया, लगातार बढ़ता रहा। अब इंट्राडे जो ट्रेड करते हैं वो समझ गए होंगे भाई ये 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये इंट्राडे वाले भी ये देखे कि एक ट्रेंड लाइन बनती है स्टॉक में किस तरीके से, देखिए अब ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनती है, बिल्कुल पता था रिजल्ट आया है यहाँ से स्टॉक ने अपसाइड पोटेंशियल देना स्टार्ट कर दिया, बुलिश हो गया, उसके बाद शेयर देखिए कैसा मोमेंटम इसने दिया। ये एक दिन का ट्रेंड है आप देख पा रहे हो। अब यही ट्रेंड मैं आपको एक दिन के बाद इसको दिखाता हूँ, अब इसके टेक्निकल को देखते हैं और समझते हैं कि गोल्डन क्रॉस ऑल कब बना था। अभी देखिए ये स्टॉक है, बहुत बढ़िया स्टॉक है नो डाउट, आप अगर इसको और लंबे टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो तो देखिए जनरली 200 डे मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज के पास का सपोर्ट इसको मिलता है, लेकिन अगर मैं लास्ट गोल्डन क्रॉस जो देखूं तो जून 2017 में ये गोल्डन क्रॉस बना था 280 के लेवल पे, उसके बाद बढ़िया रिटर्न इसने दिया, बढ़िया जंप दिया इसने, 490 के लेवल का जंप दिया, और उसके बाद आप क्लियर देख पा रहे हो कि किस तरीके से इस स्टॉक में 2018 अगस्त के बाद से, मतलब पिछले एक साल से इसमें लगातार गिरावट चल रही थी। देखिए बिल्कुल शेयर नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, देखिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ इसने मेंटेन कर रखी थी, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन कर रखा है 350 से 360 के लेवल पे, और उसके बाद स्टॉक ने पॉजिटिविटी दिखाई। पिछले ये मई 2019 में ये स्टॉक 350 के लेवल पे था, और वहाँ से अब तक ये 480 के लेवल पे आज पहुँच चुका है, बहुत ही बढ़िया बात, लगातार जंप देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात तो तब हुई जब इसने गोल्डन क्रॉसओवर बताया, स्टॉक 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा था, उसको पार करके उसको ऊपर गया, और फिर यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर की स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली। गोल्डन क्रॉसओवर के बाद यानी कि ये लेवल 410 के लेवल पे हमको गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला, अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो यहाँ पे 410 नहीं 420 के आसपास उसने एंट्री जरूर इस शेयर में करी होती गोल्डन क्रॉसओवर के बाद, और उसके बाद शेयर देखिए बहुत ही बढ़िया जंप। उसके बाद एक दूसरा मौका आया था अभी जब स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास 420 के पास फिर से आया था एंट्री करवाने के लिए आपसे, और अब देखिए आज की डेट का चार्ट आप देख सकते हो, बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है, और बड़े वॉल्यूम के साथ साथ बड़ा जंप, और बड़ा जंप अभी जो हाई जो पीक है वो बचा हुआ है, वो पीक यहाँ पे 490 के लेवल का है जो पुराना रेजिस्टेंस है, अगर स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा तो इस लेवल पे मिलेगा, अगर इस लेवल को पार कर जाता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डाबर इंडिया की, डाबर इंडिया के अगर मैं आज का कारोबार दिखाऊं, क्योंकि मार्केट से पहले ही रिजल्ट आ गया था तो इसमें रिजल्ट के बाद खूब ट्रेडिंग देखने को मिली, आज डिलीवरी कम ट्रेडिंग ज़्यादा है, 88 लाख शेयर्स ट्रेड हुए जिसमें ऑलमोस्ट 14 से 15 लाख शेयर की डिलीवरी देखने को मिली है। तो ये डाबर इंडिया का हमने ओवरऑल रिजल्ट के दिन थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, लोग खूब खरीद बेच करते हैं, तो वैसे ही इसमें भी हुआ, 483 के आसपास का हाई इसने बनाया और उसी हाई के आसपास ये क्लोज हुआ है, ओपन 460 के आसपास हुआ था और 455 का इसने साथ के साथ लो भी बनाया था। तो डाबर इंडिया के हमने ये डिटेल तो देखे, लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए पब्लिक शेयर होल्डर डाबर इंडिया में बहुत सारे, देखिए मैथ्यूज पैसिफिक डाइगर फंड है, एरिस एग इंडिया फंड लिमिटेड है, ये LIC इसका मेजर शेयर होल्डर है, ये सब क्या है बड़े शेयर होल्डर है। बात करते हैं प्रोमोटर ग्रुप की, तो देखिए जैसे अशोक चंद बर्मन जी बर्मन फैमिली के, ये देखिए साकेत बर्मन जी और इवन चौधरी एसोसिएट्स ओन्ड बाय साकेत बर्मन, MB फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय मोहित बर्मन, ये उन्हीं की अलग अलग कंपनीज हैं, ज्ञान एंटरप्राइजेज अमित बर्मन की कंपनी है, तो जिनका जो इसके मेजर जो है प्रोमोटर हैं। तो हमने अभी आज डाबर इंडिया का रिजल्ट देखा, रिजल्ट के साथ साथ हमने देखा कि डाबर इंडिया ने पहले 4 बार बोनस दिया है, इस बार इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, साल में 2 बार ये बोनस देता है हाफ ईयरली काइंड ऑफ, ये डिविडेंड बोनस नहीं डिविडेंड देता है हाफ ईयरली काइंड ऑफ, और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वो 14th of November की है, और डिविडेंड आपको 25 मई के बाद दे, डिविडेंड थोड़ा सा है लेकिन स्टॉक में ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर बन रखा है, तो काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चलिए फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये डाबर इंडिया का शेयर का रिजल्ट अच्छा लगा होगा। देखिए इन्वेस्टर हैप्पी रहा, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज़्यादा देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टर हैप्पी रहा और काफ़ी बड़ा जंप रिजल्ट के बाद देखने को मिला है।
वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।